हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अपन जो क्वेश्चंस कर रहे हैं रेलवे के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस, जितने भी पेपर्स हैं उनको अपन सॉल्व कर रहे हैं। आज ये जो अपना सेट है, यह 24 मई 2019 को रेलवे RRB JEE के अंदर पूछे गए पेपर्स है, उसका अपन पार्ट वन देखेंगे। इसके अंदर अपन 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन अपन दूसरे पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाएगा सेशन के साथ में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो गाइज, आज अपन बात करेंगे 24 मई 2019 के शिफ्ट वन का पेपर। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि अच्छे से आप देख पाओ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है गाइज। पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग है किसके कारण होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ग्लोब्यूमिन, कैरोटीन, एल्बुमिन, क्लोरोफिल। तो अपने को पता है कि क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो बाकी टर्म्स है, ये जो ग्लोबुलिन है ये क्या होता है गाइज, ये प्रोटीन्स का ग्रुप होता है, प्रोटीन्स का ग्रुप होता है। और ये एल्बुमिन क्या है, ये भी एक प्रोटीन है। ये जो कैरोटीन है, ये कैरोटीन क्या चीज़ है, जिस तरीके से क्लोरोफिल एक पिगमेंट है उसी प्रकार से कैरोटीन भी एक पिगमेंट होता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और ये जो ग्लोबुलिन है, ये चार प्रकार के होते हैं, α1, α2, β और δ। इसको गम्मा भी बोल सकते हैं अपन। ये चार प्रकार के होते हैं और अपना जो लीवर होता है उसके फंक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर टू है। इस सीरीज को पूरा करना है, आपको भी साथ साथ में आंसर देना है गाइज। इसका आंसर क्या बनेगा, 9, 12। तो इसमें मैं बता देता हूँ साथ ही आपको आंसर देखिएगा गाइज। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो नेक्स्ट टर्म आएगी 12, ये देखिएगा 12 से 13, 13 से 14। तो ये पहली वाली टर्म्स होगी 14 और नेक्स्ट 12, तो यहाँ वाली संख्या हो जाएगी अपनी 14। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजिंग लग रहा है मेरे को। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 में 6 की दर से बेचे जाते हैं, हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। इस क्वेश्चन की भाषा क्या है, थोड़ी सी उठपटांग से दे रखी है। इस क्वेश्चन में यह है कि 40 रुपये में 8 पेन खरीदे जाते हैं या 8 की रेट से खरीदे जाते हैं, 40 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं। गाइज, क्रमूल्य सेम है, विक्रमूल्य सेम है। इसका मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 8 पेनों का क्रम मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी भाषा में ये है, 8 पेनों का क्रम मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो 8 CP = 6 SP, यानी विक्रय मूल्य और क्रम मूल्य बराबर है। यानी 8 पेनों का क्रम मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट क्या होगी। तो देखिए गाइज, मैं इसको SP/CP कर देता हूँ, तो CP की जगह तो हो जाएगा 8 और SP 6, क्रॉस मल्टीप्लाइड करूँगा, बाकी से यही आना चाहिए मेरे पास। देखो 6 × SP, 6 SP, 8 × CP, 8 CP आ गया। अब देखिएगा, 2 का भाग है इसमें 4 बार, 2 का भाग है इसमें 3 बार। तो क्रम मूल्य तो कितना होगा मेरे पास, 3। क्रम मूल्य हो गया 3 और विक्रम मूल्य गाइज कितना होगा, विक्रम मूल्य हो गया मेरे पास 4। क्रम मूल्य 3 है, विक्रम मूल्य 4 है। तो लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, नीचे हमेशा क्रम मूल्य लिया जाता है, ऊपर डिफरेंस लिया जाता है। नीचे क्रम मूल्य लिया जाता है, तो गाइज क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, क्रम मूल्य हो गया मेरा 3, नीचे तो हो गया 3, ऊपर डिफरेंस 4 और 3 का अंतर 1 और परसेंटेज के लिए 100। तो 100/3 यानी 33.3% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि करंट अफेयर में ही हो, दोबारा से आने की संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चन की। विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों का उद्घाटन कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। 2019 के विशेष का मतलब गाइज क्या है, यहाँ पे स्पेशली का मतलब क्या हो गया, जो डिसेबल्ड होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनके लिए जो ओलंपिक्स है उनकी बात हो रही है। तो स्पेशली ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स इनोग्रेटेड कब इनोग्रेशन किया गया, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इनोग्रेशन पूछा गया है। तो इनोग्रेशन है इसका गाइज 14 मार्च, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इनोग्रेशन पूछ लिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट के अंदर आपसे क्लोजिंग भी पूछ लिया जाए। 14 मार्च है इसका इनोग्रेशन, ध्यान में रखना है। और इसका जो क्लोजिंग हुआ था वो हुआ था 21 मार्च। तो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब इसका समापन हुआ, आंसर हो जाएगा 21 मार्च। उद्घाटन हुआ 14 मार्च। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, आयोजन पूछे तो आपको बताना है अबूधाबी। अबूधाबी कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबूधाबी। तो UAE के अंदर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइज,
मोनी अट्टम केरल, इसमें आपको बताना कि क्या आएगा। जिस तरीके से मोनी अट्टम केरल का है, सतरिया कहाँ का है? मोनी अट्टम केरल का है, सतरिया कहाँ का है? चार ऑप्शन है, यूपी, असम, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। क्या आंसर बनेगा इसका? सतरिया कहाँ का है? तो सतरिया हो जाएगा अपना असम का। मोनी अट्टम कहाँ गए? मोनी अट्टम है केरल का और सतरिया हो जाएगा असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र आपको यहाँ पे बताना है। तो क्लोरोफॉर्म होता है उसका अणुसूत्र है CHCl3। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म होता है जो ग्रीन हाउस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह के अंदर इसका यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा CHCl3। निश्चेतन के रूप में भी, बेहोशी के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। गाइस ये एक सीरीज है, इस सीरीज़ का आप आंसर करके बताना कि इसका क्या होगा, इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया। मैंने बहुत बार कोशिश की देखने की बट लॉजिक इसका पता नहीं चला, फिर भी कोशिश की थी। तो देखिएगा इसमें इसको छोड़े तो बाकी यहाँ पे आप देखोगे प्लस 5 का डिफरेंस बना रहा है। तो इसका लॉजिक आप एक बार देखने की कोशिश करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगाया गया। ये एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है एक्सप्लेन के साथ में, ये रूल लगा है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? पूर्वी राज्य का मतलब यहाँ पे इस तरीके का भारत का मैप है, तो इधर पूछा गया है इधर की तरफ भारत का कौन सा पूर्वी राज्य है, क्या आंसर बनेगा इसका? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी ईटानगर है और पेमा खांडू वहाँ की सीएम है। मिजोरम की राजधानी आइजवाल है, आसाम की राजधानी दिसपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं उनकी गाइज राजधानी, उनकी राजधानी हो गई, उनके सीएम हो गए, उनके गवर्नर हो गए, वो सब आपको देखने एग्जाम में, इन्हीं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी स्टेट हैं उनका सबका आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम, सेकंड, मीटर या न्यूटन? बार किसको बोलते गाइज? वेट। वेट बराबर होता है डब्ल्यू बराबर मास इंटू ग्रेविटी। इसकी जो एसआई इकाई होती है वो है हमेशा न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसआई इकाई, मास इंटू ग्रेविटी, ध्यान में रखना है। और ओनली मास, मास की होती है केजी, ये होता है द्रव्यमान और ये होता है भार। दोनों में डिफरेंस है द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान होता है आपका अदिश राशि है और आपका गाइज जो भार होता है वो सदिश राशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपके कानों में पहुँच रही है, लेकिन मेरी जो साउंड है पहले इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होकर रिकॉर्ड हो रही है। तो इसी तरीके से वापस से आपके, अगर अपन बात करें किसके द्वारा ये कन्वर्जन हो रहा है, साउंड का इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में कन्वर्जन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? तो ये हो रहा है माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन के अंदर बोलने से साउंड है इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वापस से जो माइक लाउड स्पीकर है वो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट होते हैं, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम्पलीफायर का काम क्या है? एम्पलीफायर का मतलब होता है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करने का मतलब है उसका आयाम, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, उसकी वॉल्यूम को बढ़ाना, वो होता है एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सा है, आप कर लीजिएगा इसको। पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 लग जाएगा, इसका 10 लग जाएगा और इसका 100 लग जाएगा। इसी प्रकार इस पॉइंट का नीचे 10 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा और इसका 100 आ जाएगा। ये काट देना जो भी कटे और कैलकुलेशन कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको स्किप मार रहा हूँ मैं। सिंपल क्वेश्चन है उनको स्किप कर देता हूँ ताकि आपके भी वीडियो बोरिंग ना लगे, इंटरेस्टिंग बना रहे। और जिन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ उन क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जहाँ पे दोबारा से ऐसे क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये इसका घर हो गया, ये 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से वो बाईं तरफ मुड़ गया और वह 0.5 किलोमीटर चलकर पार्क पहुँचता है। यहाँ से 0.5 किलोमीटर चला और यहाँ पे वो पार्क में पहुँच गया। तो घर से उसके पार्क की दिशा बताइएगा। तो ये घर है, ये पार्क है, तो ये दिशा कौन सी होगी गाइस? ये होगी उत्तर, ये तो हो गया उत्तर अपना, ये हो गया पूर्व, तो उत्तर पूर्व अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर देना है जापान ग्रीन तीतर, तो भारत क्या है? नॉर्मल सा जीके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जैसे भारत का पिकॉक मोर को माना गया, उसी प्रकार से जापान का है ग्रीन पिजेंट। आंसर होगा
जापान का ग्रीन तीतर नॉर्मली ध्यान में रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ग्रीन तीतर, और भारत का क्या है, मोर, पिकॉक। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, कमेंट कीजिएगा फटाफट स्पेडली। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, आंसर हो जाएगा इसका जयपुर के, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ओके, बाकी अगर आप देखो कानपुर है, कानपुर को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर को कहा जाता है। नागपुर के अंदर संतरे ऑरेंज बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसको ऑरेंज सिटी कहा जाता है, ऑरेंज सिटी, इसको पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। और जिलों की नगरी राजस्थान के अंदर उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, 15 नहीं है क्या, अच्छा चलो ये देखिएगा जी, ये एक न्यूमेरिकल है बीच में, कुछ क्वेश्चन स्किप है इस पीडीएफ फाइल से, फिर भी चलो ये एक देखिएगा, ये क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैथ का क्वेश्चन है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है बिकॉज कुछ क्वेश्चन गायब है बीच में से, चलो मैं इसको आपको रेड करके बता देता हूँ। ये कह रहा है कि जॉन साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है और 2 बजे पहुँचता है, ये गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ये इसका घर है, होम है और ये इसका ऑफिस है, वो 10 KMPH की स्पीड से जाता है तब तो वो 2 बजे पहुँचता है। आगे कह रहा है यदि वो 15 KMPH की स्पीड से जाए, 15 KMPH की स्पीड से जाए तो वह ही विल रीच, इसमें कुछ एक सेकंड जूम करना पड़ेगा क्या गाइज, आगे इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करूँगा तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। यदि वह 15 KMPH की स्पीड से जाता है तो वह 12 बजे पहुँचता है, क्वेश्चन में ये लिखा है वह 12 बजे पहुँचता है। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि वह किस स्पीड से जाए कि वो 1 बजे ऑफिस पहुँचे, किस स्पीड से जाए कि वो 1 बजे ऑफिस पहुँचे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं। अगर वो 10 KMPH की स्पीड से जाता है तो 2 बजे ऑफिस पहुँचता है, 15 KMPH की स्पीड से जाता है तो 12 बजे पहुँचता है। क्वेश्चन पूछा गया कि वो किस स्पीड से जाए कि वो 1 बजे ऑफिस पहुँचे, तो गाइज इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दूरी निकालिएगा, दूरी होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल नीचे चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। ओके, तो चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा गाइज, दूरी निकालने के लिए चालों का गुणनफल हो जाएगा 10 × 15, अंतर कितना हो जाएगा नीचे डिफरेंस, 15 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा 5, समय का अंतर कितना है गाइज, 2 और 12 के बीच में समय का अंतर हो गया 2। ये देखिएगा सबसे पहले ये आवर के अंदर दे रखा है, ये समय आवर है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, यदि ये मिनट में होता तो मैं इसको 60 का डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर लेता। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो ये है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। अब इसको निकाल लेते हैं, 5 का इसमें गया 3 बार तो दूरी हो गई गाइस 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब देखिएगा दूरी मैंने निकाल ली 60 किलोमीटर, तो इसने 60 किलोमीटर दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की 60 किलोमीटर दूरी है। अब ये कितना समय लिया इसने, 10 की स्पीड से जा रहा है, 60 दूरी है तो 60/10 यानी इसने 6 घंटे लिए, और इसने कितना समय लिया, 15 का भाग दे दूँ 60 में, 60 में 15 का भाग दूंगा तो 4 घंटे। अब गाइज ये 12 बजे पहुँच रहा है यानी 4 घंटे ले रहा है, ये 2 बजे पहुँच रहा है यानी 6 घंटे ले रहा है, तो 1 बजे पहुँचने वाला व्यक्ति कितने घंटे लेगा, वो लेगा 5 घंटे। अगर वो 5 घंटे लेगा, दूरी है 60, तो 60/5 यानी वो किस स्पीड से जाएगा, 12 KMPH की स्पीड से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये कथन और निष्कर्ष पे आधारित क्वेश्चन है गाइज, इसमें क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो कड़ी मेहनत आपको करनी चाहिए। पहला निष्कर्ष क्या है, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से ही संबंधित है, रिलेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसमें ओनली उत्तीर्ण की बात हो रही है, यहाँ पे उत्तीर्ण की कोई बात नहीं है तो पहला लागू नहीं होगा। वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं, कठिन परिश्रम भी नहीं करते उत्तीर्ण भी होते हैं, ऐसा इसमें कहीं नहीं कहा गया है। ये देखिएगा कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता, और ये कह रहा है कि उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो यानी तीसरा इसके अंदर लागू है। ये कह रहा है कथन, अपने को अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, अपने को आंसर देना है कि क्वेश्चन का कथन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कथन कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये क्या कह रहा है कि कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो आप उत्तीर्ण नहीं होगे, तो यानी कुल मिला के तीसरा स्टेटमेंट इसमें लागू होता है। तो देखिएगा तीसरा स्टेटमेंट इसमें लागू होगा, अपन देख लेते हैं आंसर, आंसर ए, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, एक ऑप्शन और था क्या, चौथा प्रश्न और था, चलो कोई ना अपना ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक आयताकार कोटरी के फरश का विकर्ण इतना है। कोई आयताकार कोटरी है, उसके फरश है और फरश का जो विकर्ण आपको दे रखा है, विकर्ण हो गया 7.5 फुट का, और उसकी छोटी भुजा है 4.5 फीट, 4.5 फीट है। और क्वेश्चन कह रहा है कि कोटरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। क्षेत्रफल बताना है, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा गाइज, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपके सामने चौड़ाई तो है, लंबाई भी, लंबाई कहाँ से लाओगे, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकालूंगा मैं गाइज। इस 7.5 को मैं एक बार पॉइंट हटा देता हूँ, ओनली 75 और 45 रख लेता हूँ। तो कर्ण का स्क्वायर करूँगा तो 75 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ अक्स, तो अक्स स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल से है, आप इसको कर लीजिएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 8 7 56 इक्वल टू अक्स स्क्वायर प्लस 5 का 55 25 और 5 का 20। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, कितनी आ जाएगी, 25 में से 25 गए 0 0 और 6 और 5 में से 2 गए 3, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 60। 60 आ गई तो मैं इसको ओनली 6 लिख देता हूँ, क्यों 6.0 कर देता हूँ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी मेरे पास 7.5, ये लंबाई तो हो गई मेरे पास 6 और चौड़ाई होगी 4.5। इनको मल्टीप्लाइड करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 चौके 24 और 6 3 27, 27 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में डाउट जरूर लिख दीजिएगा आप, कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, स्पीड स्लो रखें या इसी तरीके से चलने दिया जाए, जो भी आपको जिस तरीके से भी उचित लगे ज़रूर बताना। ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है गाइज, क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी तय करता है। देखिए गाइज, एक व्यक्ति कार से निश्चित दूरी तय करता है, अपनी आधी यात्रा पूरी करता है। देखिएगा, आदमी कार से निश्चित दूरी तय करता है और अपनी आधी यात्रा पूरी करता है। देखिएगा, कार से वो सपोज व्यक्ति यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी यात्रा कर रहा है और आधी यात्रा अपनी कार से कर रहा है, आधी यात्रा अपनी कार से कर रहा है, शेष दूरी में से 5/6 हिस्सा वह वैन से करता है। और ये गाइज, ये 5/6 हिस्सा है ये वैन से करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेष दूरी में 5/6 हिस्सा वैन से तय करता है और शेष ऑटो से यात्रा करता है, और ये जो बाकी जो बच गया इसको ऑटो से करता है, और ऑटो द्वारा तय की गई दूरी 5 किलोमीटर थी, और ये जो ऑटो से दूरी तय करता है गाइज वो है 5 किलोमीटर, उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। अब देखिए गाइज, अगर ये दूरी और ये दूरी, ये बीच का पॉइंट है, ये तो बीच का पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 6 मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 5, क्योंकि ये 5/6 है, तो मैंने टोटल 6 मान ली, 6 नीचे वाली से मानी मैंने, टोटल होगी 6, तो यहाँ से यहाँ तक की होगी गाइज 5, तो यहाँ से यहाँ तक की होगी 5 और यहाँ से यहाँ तक की होगी 1। तो ये 1 तो जाता है वो ऑटो से और 5 जाता है वो वैन से, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है 6, और 6 ही इधर होएगी फिर, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 6 और 6 12, टोटल 12 होगी। अब 1 की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर, क्योंकि ऑटो की वैल्यू दे रखी है 5 किलोमीटर, ऑटो से जाता है वो 1, तो 1 = 5, तो टोटल है 12, तो 12 × 5 यानी 60 मेरा आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता ही है, या ऐसे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, दोबारा रिवीजन करो तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख के जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ए का 20% इक्वल टू बी, तो 20% का बी परसेंट इनमें से किसके बराबर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ए का 20% इक्वल टू बी है, तो मैं कर दूं ए इंटू 20 अपॉन में 100 इक्वल टू बी कर दिया। 20 का बी परसेंट कितना होगा, 20 × b/100 पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, ये हो गया 20 का 5 में गया, ए 5 = b, और यहाँ क्या हो जाएगा, b/5 आपसे पूछा गया कितना होगा, b/5 पूछा गया है। अब इसमें मैं 5 का भाग दे दूँ तो इसमें भी मैं 5 का भाग दूंगा, दोनों को बराबर करने के लिए। अब ये b/5 आ गया मेरे पास, b/5 हो गया, तो ये कितना हुआ, a/25, तो b/5 किसके बराबर हुआ, a/25 के बराबर हुआ, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दूँ मैं,
ठीक है, तो 1 का 4%, 1 का 4% आपका आंसर हो जाएगा। किस तरीके से है दोबारा से देख लीजिएगा एक बार स्पीडली। 1 का 20% यानी a a/5 इक्वल टू b हो जाएगा, और ये b/5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसमें मैं 5 का भाग दे दिया और इसमें भी मैंने 5 का भाग दे दिया, दोनों का समीकरण बराबर करने के लिए। ये b/5 है, ये b/5 है, तो ये किसके बराबर हुआ, a/25 के। तो ये किसके बराबर हुआ, a/25 के। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप दूसरा तरीके से करना चाहो तो कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से किसने राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दूसरे राष्ट्रपति कौन थे क्वेश्चन पूछा गया। तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे वही भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। भारत के इनका भी कार्यकाल 2 बार रहा कंटिन्यू, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी 2 बार रहा था एज ए उपराष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, पहले उपराष्ट्रपति हो गए राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्रधानमंत्री कौन हुए, दूसरे प्रधानमंत्री ये थे अपने शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, निम्न में से किसने 2019 में असम के धुबरी जिले में 61 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा उन्नत इलेक्ट्रॉनों की निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो ये उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और एट प्रेजेंट राजनाथ सिंह जी क्या है, अपने रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है, और लखनऊ इनका निर्वाचन क्षेत्र आता है। पीयूष गोयल के पास में रेलवे मंत्रालय, ये राज्यसभा सदस्य हैं। नरेंद्र मोदी को आपको पता ही है, पीएम है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके हेड है लाइक नीति आयोग वगैरह। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है और ये राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो, और रेस्पॉन्स अच्छा देते रहिएगा। जितना आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे उतना ही मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहूँगा। रेस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। माउथ एंड फुट डिजीज इन कैटल आर कॉज ड्यू टू, तो ये होते हैं सब वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से। हाथों के, पैरों के, मुख के, ये रोग होते हैं विषाणु की वजह से। और गाइस वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी, इवान वॉस्की के द्वारा की गई थी। बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की गई थी लिवेन हॉक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें असंगत को चुनना है। असंगत बताइएगा फटाफट स्पीडली, आंसर देने से पहले बताइएगा इसमें क्या लॉजिक लगा गया है। देखिएगा जी के बाद में ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, यहाँ पे 2 का गैप है, आई जे के 2 का गैप है, जे के एल 2 का गैप है, इसमें डी ई एफ 3 का गैप है, तो ये अपना डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, इसमें गलत संख्या का पता लगाना है आपको। गलत संख्या कौन सी है, फटाफट आंसर दीजिएगा स्पीडली। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाइड किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाइड किया, 3 से मल्टीप्लाइड, 3 से मल्टीप्लाइड, 3 से मल्टीप्लाइड, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 2 3 6 36 18 18 3 54, 54 को 3 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 4 3 12, और 5 15 16 162, और ये है 161, तो आपका आंसर 161 गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं गाइज, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहते हैं। 29 और 30 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि एक का वर्ग, कोई संख्या एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है। यदि संख्या 3:4 के रूप में हो तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा, एक का वर्ग, संख्या एक तो मान ली मैंने 3x, क्योंकि संख्याओं का अनुपात है गाइस 3:4, तो एक तो संख्या हो गई मेरे पास 3x और एक संख्या हो गई मेरे पास 4x। तो देखिएगा पहली का वर्ग हो गया 3x का होल स्क्वायर, दूसरे के वर्ग हो गया 4x का स्क्वायर, इसके आठ गुणे से 224 कम है। ये मेरा समीकरण बन चुका, तो संख्या अपने को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो देखिएगा ये हो गया 3 3 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 16 16 8 128x स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर -224। इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है शायद क्वेश्चन के अंदर 6 और 8, गाइज इसको करके देखना आप। क्वेश्चन
क्वेश्चन है, एक संख्या का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, संख्या 3:4 के अनुरूप में है तो संख्या ज्ञात करो। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, ये 128 में से आप 9 निकालोगे इधर तो ये तो बच जाएगा आपका 119 x स्क्वायर बराबर 224। तो x स्क्वायर बराबर 224 बटे 119 बराबर वर्गमूल नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ संख्या के अंदर मिस्टेक है, या इसको करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 29 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा इसका आंसर क्या आता है, क्वेश्चन में मिस्टेक है या कुछ और है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा हल्का सा आपको घुमा के दिया गया है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज मूलधन और वर्षों की संख्या से 12.5% अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो आपका मूलधन से 12.5% अधिक है, यदि मूलधन पी है तो साधारण ब्याज हो जाएगा 112.5 पी हो जाएगा यदि मूलधन पी है तो। और ये कह रहा है कि समय और दर का ये अनुपात है तो इनका मान ज्ञात कीजिएगा, इनका मान क्या बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप किस तरीके से करोगे। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लगाइएगा, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर गुणा समय अपॉन में 100। ये परसेंट है तो परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा देता हूँ। तो गाइस ये तो मेरा बन गया 112.5 अपॉन में 100 इंटू पी, ये पी हो गया इंटू आर, आर इंटू टी अपॉन में 100, ये कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, आर टी, आर टी बराबर हो जाएगा मेरा 112.5। आर टी बराबर हो गया 112.5, ठीक है। और यहाँ से आर टी कितना आ रहा है, यदि यहाँ से अनुपात निकालूँ मैं तो आर तो आ रहा है 2x और टी आ रहा है मेरा ओनली x, तो यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 112.5, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 112.5 अपॉन में 2, यहाँ पे भाग चला जाएगा 10, तो ये कितना होएगा 2 यहाँ पे आ गया। इसमें इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने पास आएगा, इसमें 5 का भाग दे लूँ, 5 का भाग है इसमें 4 बार और 5 का भाग इसमें चला जाएगा 5 दुनी 10 ये आ गया। तो अक्ष के लिए यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ से हटाऊँगा तो ये तो हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा 2, यानी 7.5। अक्ष की वैल्यू आ गई 7.5 तो यहाँ पे रखूँगा मैं 7.5, तो आर तो हो जाएगा मेरे पास में डबल यानी 14 और ये रहेगा 7.5, 7.5 का डबल हो गया 15, तो ये हो जाएगा 15 और 7.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हो, दोबारा से समझ में नहीं आया तो रिपीट करके आप देख सकते हो, कुछ नहीं किया गया इसमें, ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 रखा गया है, ऐसा की जगह आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये है 112.5 ऑफ पी, ये परसेंटेज था, इसको 100 ये है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पी आर टी हो गया, पी से पी आपका कैंसिल हो गया, आर टी की वैल्यू गया 112.5 हो गई। आर टी कहाँ से लिया मैंने, ये 2:1 है तो ये 2:1 है तो आर की जगह 2x और टी की जगह ओनली एक्स, तो मल्टीप्लाइड हुआ 2x स्क्वायर इक्वल टू 112.5 और यहाँ से मैंने अक्स की वैल्यू निकाली, अक्स की वैल्यू आ गई 7.5 आ गई, तो ये जो 2.5 था, अक्स की वैल्यू 7.5 आई तो ये 2 था, तो ये तो हो गया 15 और ये हो गया ओनली 7.5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी 3:50 का समय दिखाती है। देखिएगा इस तरीके से घड़ी है, ये इसका 3, 6, 9 और 12, 3:50 का समय दिखाती है, यानी ये 4 है, ये 5 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11, 3:50 है तो यानी घड़ी अप्रॉक्सीमेट इस डायरेक्शन में है, ये घंटे का सुई हो गया, ये मिनट की, तो घंटे वाली सुई पूर्व की ओर है और ये कह रहा है कि ये डायरेक्शन पूर्व में है, ये डायरेक्शन पूर्व में है तो ये किस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगी अपनी, ये पूर्व में है तो ये हो जाएगी पश्चिम, पश्चिम ऑप्शन में नहीं है तो पश्चिम ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाएगा आपका उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे गाइस। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। कौन सी संख्या है जो इन सबसे विभाज्य है? सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेना है आपको,
अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपके पास में कितना आएगा, 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आएगा आपका अप्रोक्सीमेट 600, अप्रोक्सीमेट क्या 600 ही आएगा। अब देखिए गाइज एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा आप, एलसीएम आएगा आपके पास 600। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिएगा ये दो जीरो, तो मैं दो जीरो काट ही देता हूँ सबकी। यहाँ पे 96 है, 96 के अंदर 6 का भाग जा रहा है क्या, तब तो अपना आंसर ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चंगा 36, 16 छिगरी 96, तो सबसे बड़ी संख्या होगी अपनी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की राज्य का शासन संभाल सकता है। देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा आज तीन प्रकार के शासन राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं, एक तो हो गया 352 हो गया, एक होता है अपना 56 होता है, एक होता 60, 52, 56 और 60 तीनों आपको ध्यान में रखना है। एक तो होता है 52, एक होता है 56, एक होता है 360, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ से पूछा गया कि राज्य की संवैधानिक प्रणाली, यदि किसी राज्य के अंदर सरकार गिर जाए तब किसके तहत वो राष्ट्रपति शासन लगाता है, अगर सरकार गिर जाए तब वो लगाता है 356 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर किसी प्रकार की राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए तब वो लगाता है 352 के अकॉर्डिंग, और यदि वित्तीय आपात, ये वित्तीय या फाइनेंशियल आपातकाल आ जाए तब वो लगाता है 360 के अकॉर्डिंग। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में संविधान फेल हो गया किसी स्टेट का तब लगाता है 356 के अकॉर्डिंग, और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया किसी कारणवश युद्ध वगैरह तो वो लगाता है 352 की वजह से, और जो वित्तीय आपातकाल होता है वो लगता है गाइस 360। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, 52, 56 और 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या आता है, यदि संतरे को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शायद, शायद को संतरा कहा जाए तो कपड़े धोने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करोगे। कपड़े धोने के लिए अपन साबुन का यूज करते हैं गाइस, और साबुन को स्याही बोला जा रहा है, साबुन को स्याही, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। 35 नंबर का क्वेश्चन है गाइस, किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या एम होगी, परमाणु क्रमांक हो गया, एटॉमिक नंबर ए हो गया। द्रव्यमान में से आप परमाणु क्रमांक घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है द्रव्यमान, मास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, अगर द्रव्यमान में से अपन प्रोटॉन घटाएं, परमाणु क्रमांक घटाएं, तो अपने को न्यूट्रॉन मिलेगा। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी गाइज जेम्स चैडविक के द्वारा, प्रोटॉन की खोज की गई थी गाइज गोल्डस्टीन के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी थॉमसन के द्वारा। तो गाइज 35 क्वेश्चन अपन ने कवर किए, आगे के सेट अपन नेक्स्ट सेट के अंदर कवर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट में डाउट जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।